अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना में 16 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक की जानकारी के मुताबिक कई श्रद्धालु अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश के लिए पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और अब तक तमाम जगहों पर लापता श्रद्धालुओं की तलाश काफी तेज हो गई है। थोड़ी देर पहले अमरनाथ नाले में भी जवानों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। पत्थरों को भी हटाकर राहत कर्मी देख रहे हैं कि कहीं वहां कोई दबा तो नहीं है। तो ये बड़ी खबर। श्राइन बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जो आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमरनाथ नाले में भी संगम बेस के पास तलाश जारी है। लापता श्रद्धालुओं की खोज में जुटे हैं सेना के जवान। डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। और सबसे बड़ी बात, देवदूत बनकर उभरते हैं हमेशा हमारे सेना के जवान। और सेना के जवानों के साथ ITBP, BSF, CRPF और NDRF, SDRF की टीम, जम्मू कश्मीर की पुलिस आपसी तालमेल में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को सुरक्षित कर सकें। आज अमरनाथ में सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेज हो गई है। और देखिए, इस वक्त 8 तस्वीरों को आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। पूरे घटनाक्रम को इन 8 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। कल शाम 5:30 बजे के आसपास पहाड़ों से सैलाब आया, वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वही तेज धार में बह गए जो टेंट मौजूद थे, वो बह गए। और अब तक 16 शव बरामद किए जा चुके हैं, मिल चुके हैं। राहत बचाव में मुस्तैदी किस तरह से हमारे जो जवान है लगे हुए हैं वो देख पा रहे हैं आप अगली तस्वीर में। वहीं रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है जो कि अब और तेज हो चुका है सुबह से। मदद में जुटा हेलीकॉप्टर और हादसे में कई लोग लापता है। 40 से ज्यादा अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोकी गई है। इसको भेजना है ऊपर फर्दर में। ये यात्री बादल फटने के उपरांत ये इनको हम निकाल रहे हैं यहाँ से। चलो 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 चलो। आज बाबा अमरनाथ के दरबार में सैलाब आ गया है। सैलाब से साथ श्रद्धालु भी बाहर हो गए। ये सैलाब इतना बेखतर भयंकर सैलाब है जिसको रोकना मुश्किल ही नामुमकिन है। इस कदर का सैलाब चारों तरफ से, जय बाबा बर्फानी बचा लो, श्रद्धालुओं को बचा लो बाबा बर्फानी। ये सैलाब अचानक मौसम बिगड़ा और ये पहाड़ों से सैलाब आ गया। और इन सैलाब से श्रद्धालुओं को हम बचाने के पूर्व से कोशिश कर रहे हैं। ये श्रद्धालु इधर हम बचा रखे, इनको इधर भी है ये सैलाब। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा, अभी हम लोग कर निकलो। तो अमरनाथ में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन पर ITBP का क्या कुछ कहना है आपको हम सुनवाते हैं। सुबह से हमने और इंटेंसिफाई किया है जो इलाके हैं जहां पर हमको लग रहा है कि मिसिंग लोग हो सकते हैं। जैसा कि हमें सूचना मिली है स्थानीय प्रशासन से भी कि लगभग 30 से 40 के बीच में लोग अभी मिसिंग हो सकते हैं उस इलाके में। तो सभी एजेंसी जिसमें कि ITBP के साथ इंडियन आर्मी, CRPF, NDRF, SDRF और जम्मू कश्मीर पुलिस, सभी के साथ मिलकर हम लोग लगातार अभियान को अंजाम दे रहे हैं। जो लोग घायल थे उनको हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से भी नीचे लाया गया है, जो बेस में ही थे वहां पर उनको वहीं पर रात को फर्स्ट एड भी दिया गया था। फिलहाल स्थिति यह है कि पूरे इलाके को अलग अलग क्षेत्रों में, खास करके जो गुफा वाला क्षेत्र है जहां पर 200 से 500 मीटर के बीच का जो इलाका है वहां पर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ऐसा अंदेशा है कि जो मिसिंग लोग हैं वहां हमको मिल सकते हैं। वहां लगातार हम लोग अपना जो सर्च अभियान है उसको जारी रखे हुए हैं। मौसम बीच बीच में बहुत साफ हो जा रहा है, क्लीन हो जा रहा है, लेकिन बूंदाबांदी भी हो रही है। शेषनाग के इलाके में थोड़ी बारिश की सूचना है, साथ ही साथ कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन अभी जो केव वाला इलाका है वहां पर मौसम बहुत साफ है। मोस्टली दोपहर के बाद का जो टाइम होगा थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है बिकॉज बारिश के का अंदेशा है। यात्रा फिलहाल रुकी हुई है और लोगों को हम प्रिवेंट कर रहे हैं ऊपर जाने से, उनको हम सलाह दे रहे हैं कि ऊपर न जाएं, उनको रोका गया है। और हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऊपर से नीचे लाया जाए जिससे कि ट्रैक खाली रहे और राहत और बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो उसमें हम गति ला सकें। जो पूरा क्षेत्र है वो अभी सामान्य स्थिति, वहां कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, सभी यात्री सुरक्षित हैं। कई लोगों से हमारी टीम्स ने बात भी की है।